हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मोनिका देसी व्लॉग में आपका वेलकम है। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। और फ्रेंड्स, मेरे जितने भी व्यूज़ आते हैं ना 150, उसमें से 5% भी मेरे लाइक नहीं आते हैं, तो थोड़ी कष्ट कीजिए कि लाइक का बटन दबा दे और वीडियो को जितना हो सके देखे, कम से कम 2 से 3 मिनट उसको वॉच कीजिए। जितना भी मॉर्निंग का काम था वो सारा काम ख़त्म हो गया है और कपड़े भी मैंने सुखा दिए धो के। और कपड़े सुखाने के आधे घंटे बाद में अच्छी धूप आ रही थी, पूरी अच्छे से धूप आ रही थी, पर बहुत तेज़ बारिश हुई और फिर मुझे कपड़े नीचे लाने पड़े, फिर से धूप आ गई। अभी धूप आ रही है, अच्छा मौसम हो रहा है, वापस ऊपर सुखा के आए हैं सारे कपड़े। और मैंने पहनी है साड़ी, लहरिया पहना है आज पिंक कलर का। ये साड़ी मैं अधिकतर पहनती हूँ, पर अभी सावन का महीना चल रहा ना तो और अच्छी लगती है। सावन के महीने में हम लहरिया पहनते हैं तो। और एक रिक्वेस्ट भी आई थी मेरे पास में कि आप साड़ी के अंदर जूड़ा बना के और फिर हम लोगों को, मतलब जो डेली का वर्क है वो करके बताओ। तो वैसे मुझे नॉर्मली जूड़ा तो इस तरह का बनाना आता है कि जब भी हम काम करते हैं ना तो ये इस तरह से बाल खुले होते हैं, तो फटाफट ऐसे जूड़ा बनाया और ऐसे ये बटरफ्लाई लगा के और काम करने लग गए। एक तो ये होता है, तो मुझे लूज ही बनाना है, जो जूड़ा बनाना है, जो रिक्वेस्ट मेरे आई थी उसको कि लूज जूड़ा बना के आप बताइए अपने बालों में। तो बाल मेरे छोटे हैं पर फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि दिन भर में जूड़ा बना के काम करूँ, क्योंकि मेरी आदत होती है ना कि बालों को ऊपर फोल्डिंग करके और ऊपर बटरफ्लाई लगा लेती हूँ और कहाँ, या फिर रबड़ लगा लेती हूँ या फिर कुछ भी कर लेती हूँ या फिर खुले रख लेती हूँ कैसे भी, पर आज मैं बनाने की कोशिश करूँगी। वैसे नॉर्मली थोड़ा बहुत जूड़ा बनाना आता है मुझे। तो ये मैंने बन बना लिया है और कोशिश की है, क्योंकि बाल ज़्यादा लंबे नहीं है ना तो वैसा नहीं बनाएगा। और बिल्कुल लूज है, देखिए बिल्कुल लूज सा है, ज़्यादा टाइट नहीं है, ऐसा जैसे मैं बनाती हूँ रबड़ लगा के पूरा अच्छे से टाइट कर लेती हूँ वैसा नहीं है, ढीला ढीला सा ही है। ऐसा ही बना के और आज मुझे पूरे दिन काम करना है तो आज मैं ऐसे ही रहने वाली हूँ। कमेंट बॉक्स में बताना है कि कैसा बना है, हंसना मत, क्योंकि लग तो ऐसा रहा है, मुझे पीछे से कुछ दिख नहीं रहा है कि कैसा बना है, पर फिर भी आप लोग भी जानते हो कि कोशिश करते रहना चाहिए, कोशिश करने वालों की हमेशा जीत होती है, हार कभी नहीं होती है। जब तक कि मैं दौड़ के जाती जब तक तो ज़्यादा गीले तो नहीं हुए, वैसे मैंने ले लिए थे कपड़े, पर फिर भी थोड़ी बहुत बूंदें गिर जाती है ना कपड़ों में तो फिर नमी आ जाती है और फिर अजीब सी स्मेल आती है कपड़ों में, इस वजह से मैं दौड़ के गई तो थी, जाते जाते भी गीले हो ही गए, पर अब कुछ नहीं कर सकती मैं। और वापस अगर धूप निकलेगी तो वापस ऊपर डाल के आऊँगी, क्योंकि यही मेरी परेड होती रहती है, दिन में 3-4 बार तो छत पे जाना आना लगा रहता है। और अब जा रही हूँ मैं बच्चों को लेने के लिए, और देखिए मौसम साफ़ हो गया बिल्कुल। यहाँ देखिए प्रिंस, देखो नोट बना बना के लाया है, ये 100 रुपये का नोट है, ये 1000 रुपये का नोट है, अरे काट के लाया, ये 500 का नोट। किसमें से काट के लाया था बेटा, कौन सी बुक में से? उसमें से तू इतनी देर, मतलब तेरे से टेबल है ना वो टेबल वाली बुक, उसमें से फाड़ लाया, काट लाया, अब क्या करेगा इसका तू? कुछ तो करेगा, चल बुक्स निकाल और टिफिन रख के अंदर। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा ली है चाय, अभी चाय पत्ती वगैरह डालूंगी, तो मैं सारे बर्तन हैं सेट कर देती हूँ। और प्रिंस को भी थोड़ा बढ़ाना है क्योंकि उसके चल रहे हैं अभी टेस्ट, तो उसका ध्यान भी रखना पड़ता है बराबर से। तो मैं क्या करती हूँ, किचन में काम भी करती रहती हूँ, और जब ज़्यादा मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था ना तो जाके मैं उसको बीच में समझा के जाती हूँ, किचन में काम भी करती रहती हूँ साथ के साथ में। मैंने आदि से सब्जी मंगवाई थी अभी थोड़ी देर पहले, तो सब्जी में लाया है वो लौकी और ये भिंडी, तो ये सुबह के लिए लेके आया है उसके टिफिन के लिए। मैंने कहा दो सब्जी ले आना, और लौकी बड़ी छोटी सी लेके आया, पर हो जाएगी सब्जी वैसे हमारे, तो अभी तो बना ली मैं लौकी बनाऊंगी और सुबह बना दूंगी टिफिन के लिए भिंडी इन बच्चों के लिए।
आज मेरा मिर्ची खाने का बहुत मन कर रहा था, तो बस 5 से 7 मिर्ची में कट कर लूंगी। क्या कह रहा है? जमीन जैसे बना रहा हूँ। लौकी बना रहे हो ना? हाँ लौकी बना रही हूँ। दाल डाल के बनाऊ? ये तो छोटी लौकी है, इसको वैसे ही बना रही हूँ। बना लो यार मम्मी, ना तो कड्डी पड़ी है ना यार बेटा। और मेरे बच्चे किचन में कम से कम 10 से 15 बार नहीं घूमेंगे ना, तब तक उनको बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ता है। मतलब किचन में कुछ ना कुछ डिस्टर्ब करने आ जाते हैं कि या तो लौकी दाल के साथ बना दो, नहीं तो लौकी साथ ही मत बनाओ, हम नहीं खाएंगे। मिर्ची के गट्टे तो मेरे हो गए हैं। मिर्ची के गट्टे नहीं, वो क्या छोटी छोटी मिर्ची थी, बहुत तीखी वाली मिर्ची है ये। तो ये मैंने 8-10 होगी ये सिर्फ मैंने अपने लिए फ्राई की है, और ये इतना तीखा मैं ही खाती हूँ घर में, और कोई नहीं खाता है मेरे घर में। बच्चे भी नहीं खाते, पति देव भी नहीं खाते। तो सब्जी छौंक दी है और अब लगा लेती हूँ आटा। बर्तन तो मैंने पहले ही धो दिए थे। लौकी छोटी थी और नरम थी ना, तो मैं उसको कढ़ाई में बना रही हूँ, उसको दाल के साथ नहीं बना रही हूँ, क्योंकि दिन की कड़ी भी पड़ी है। अभी दिन में जो खाना बनाया था तो कड़ी भी पड़ी थी, इस वजह से फिर मैंने लौकी बनाई सादी। और अगर नहीं होती दिन की सब्ज़ी तो फिर भी मैं सोचती एक बार कि लौकी को दाल के साथ बनाऊँ, क्योंकि ज़्यादा हो जाती सब्ज़ी, पर लौकी अच्छी थी तो मैंने सोचा सादी ही बना लेती हूँ। और यहाँ मैं बना रही हूँ रोटी, क्योंकि अभी सावन का महीना चल रहा है तो खाना जल्दी खाते हैं। वैसे खाना हम लोग वैसे भी जल्दी ही खाते हैं, पर व्रत में थोड़ा सा आधा घंटा जल्दी खा लेते हैं। कभी कभी लेट हो जाते हैं, या फिर इसके पापा का कभी वेट करने में लेट हो जाती हूँ। और आजकल वैसे भी हम लोग साथ ही खाना खाते हैं, क्योंकि वो भी सावन कर रहे हैं लग रहा है, पता नहीं, पर सुबह तो खाना नहीं खा के जाते, पर यूँ ही कहते हैं कि मैं सावन कर रहा हूँ, इस वजह से हम लोग दोनों साथ ही खाना खाते हैं। तो बस यहाँ मैं बना लूँगी फटाफट रोटियाँ। रोटी सीख गई है, सब्जी भी तैयार है, बस अब पतिदेव का वेट कर रही हूँ। प्रिंस भी खाने के लिए रेडी है ना? है प्रिंस खाने के लिए रेडी है? खाएंगे तो खाना, बस खा रहे हैं। पापा आ रहे हैं ना बेटा, मैं जब तक कपड़े समेट दूँगी। पापा कहाँ भी यही है, वो घर की तरफ गए दिखते हैं, और गर्मी इतनी लग रही थी फिर मैंने मुँह धो लिया है। अभी कपड़े वपड़े चेंज करूंगी, उसके बाद मैं खाना खाने बैठूंगी। ये टावल मारे क्या बेटा ने? इंतजार कर रहा है। इंतजार कर रहा था? अच्छा वाला। इसके पापा कल नसीराबाद अजमेर का फेमस जो कचौरा वो लेके आए थे, जो तो इन्होंने दिन भर में खा लिया, कल रात को भी खा लिया, और अब मेरे हिस्से का बचा हुआ, तो उसमें से ये बोल रहा है कि थोड़ा सा मुझे दे देना। तो मैंने कहा मैं खाना खाऊंगी जब तुझे भी दूंगी, तो ये उसी का वेट कर।